कई देशभक्तों ने इस्कॉन को हिंदुओं की लूटने वाली विदेशी संस्था तक कह दिया। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसमें कृष्ण भगवान के मंदिर खुले हुए हैं। इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साथ। इस्कॉन का जो पॉलिसी है टेम्पल में टेम्पल को रन करने के लिए, ये प्रोपत क्लियरली बोल रहे हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। मतलब क्या है, हम लोग को हरे कृष्ण मंत्रों को पृथ्वी में पहुंचाना है सब जगह, हम लोग को श्रीमद भगवत गीता का मैसेज को पृथ्वी में पहुंचाना है, लेकिन अगर मैं एक मंदिर बना रहा हूँ यहाँ पे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं लोकली फंड्स को ऑर्गेनाइज करूँ। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में मान लीजिए कि बहुत सारे मंदिर है, एक मंदिर से दूसरा मंदिर भी फंड्स ट्रांसफर नहीं होता है। दूसरे देश तो छोड़ ही दीजिए, एक शहर में मान लीजिए कि मेरा शहर में कलकत्ता में अगर 4 टेम्पल है, सबका अपना अपना फंड रेजिंग कैपेसिटी होना चाहिए। आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, फिर आप पैरासाइट हो जाएंगे। प्रभुपाद ये जानते थे, इसलिए प्रभुपाद ने स्ट्रिक्ट नियम बनाया है कि एक टेम्पल जहां पे बन रहा है उस टेम्पल को जो लोग बना रहे हैं, जो लोग वहां पे रहते हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंड उस टेम्पल को चलाने के लिए जो चाहिए वो खुद ही रेज करें। आप दूसरी जगह से ले सकते हैं, बट दैट विल बी एज लोन विद इंटरेस्ट। अगर दूसरे मंदिर से मैं कुछ पैसा लेता हूँ, लोन के तौर पर लूंगा, उसके इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। ये प्रोपोज इसलिए बनाया था कि सबको ऑटोनोमस करने के लिए। तो एक शहर में भी एक मंदिर से दूसरा मंदिर पैसा नहीं जाता है, एक देश में एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं जाता है, ये सारे चीज का ऑडिट होता है। तो एक देश से दूसरा देश पैसा कैसे जाएगा, इम्पॉसिबल है। ये गलत फहमी लोगों के अंदर, यही एंटी सनातनी लोग कुछ लोग फैला रहे हैं और फैलाते जा रहे हैं। इस्कॉन की तरफ से बहुत लोग इसको नकार चुके हैं प्रमाण के साथ, लेकिन फिर भी ये लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा चलाना है ना, अपना एजेंडा। ये तो हो गया एक चीज। दूसरा है जो धाम है, वृंदावन है, मायापुर है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी के सारे जगहों से लोग आके एकजुट होते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी चीज करते हैं। तो ये जो मंदिर है जो वृंदावन में है, जो मायापुर में है, यहाँ के मंदिर के लिए पृथ्वी से सब जगह से फंड हम लोग इकट्ठा करते हैं मंदिर बनाने के। फेमस कार मेकर फोर्ड कंपनी के ओनर अल्फ्रेड फोर्ड, जब से इस्कॉन की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए की डोनेशन इस्कॉन को दे चुके हैं। अब जिनका नाम लिए हैं अल्फ्रेड फोर्ड कार कंपनी के मालिक है, उन्होंने वाकई करोड़ों पैसा दिए हैं, लेकिन वो मायापुर मंदिर बनाने के लिए, कोई लोकल टेम्पल बनाने के लिए नहीं है। अल्फ्रेड फोर्ड ने भक्त है वो प्रभुपाद के, अंबरीश प्रभु नाम है उनका, प्रभुपाद के भक्त है वो। प्रभुपाद उनको ये काम दिए थे कि तू मायापुर में एक ऐसा मंदिर बनाओ जिससे पृथ्वी के सारा लोग अट्रैक्ट होकर वहां पे आए और कृष्ण का भक्ति करे। और आपके लॉजिक के हिसाब से वो तो अमेरिकन कंपनी है, वो तो अमेरिका में रहते हैं, वो अमेरिका से पैसा भारत भेज रहे हैं भारत में मंदिर बनाने के लिए, थोड़ा दिमाग तो लगाइए यहाँ पे। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि इस्कॉन की डोनेशन भारत से बाहर भेजी जा रही है या नहीं, वो तो इंटरनेशनल संस्था है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पैसा इधर से उधर जा सकता है। ऐसे इजीली आप बोल दिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पैसा इंडिया से बाहर जा सकता है, कहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिला है ये चीज का? मैंने आपको बताया कि एक शहर में अगर 3 मंदिर है, एक मंदिर का पैसा दूसरा मंदिर नहीं जाता है, तो आप भूल जाए कंट्री में एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाएगा, और विदेश तो जाना इम्पॉसिबल है। ऊपर से ऐसा होता है कि विदेश का पैसा भारत आ रहा है।